दावेदार और धोखेबाज हजार होते हैं, लेकिन हकीकी लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। जब वो मुस्लिम हुक्मरान बनकर उभरा, आलमी ताकतों ने उसे निशाने पर रख लिया। जब उसने उम्मत को जगाने की कोशिश की, अपने हुकूक याद दिलाए, जालिम के आगे झुकने से इनकार किया, तो उसे इक्तदार से उतारने के लिए हर तरह की साजिशें हुई, कभी बैरूनी तो कभी अंदरूनी। मगर लीडर वही है जो हक बात कहकर उस पर डट जाए, चाहे उसके बदले उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों और इक्तदार की लालच में चंद मफाद परस्त आलमी ताकतों की गुलामी कबूल करके गद्दारी के मुर्तकिब। एक निडर और बहादुर लीडर को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया गया। इस बहादुर लीडर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी रियासत को आजाद रखना चाहता था। वो किसी से डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं था। उसने दुनिया की सुपर पावर के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। उसने मुस्लिम हुक्मरानों को जगाने की भी भरपूर कोशिश की, इत्तेहाद बनाना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बदकिस्मती से बैरूनी दुश्मनों के सामने डटकर खड़ा होने वाला अपने करीबी साथियों के हाथों धोखा